हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फेक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आई विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोशों से लड़ने में मद, उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रे, फ्रेडी के पूर्व प्रे, प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इसलिए कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कबीर एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रॉकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहां फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कलौन एकलव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाफोश लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के कलौन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का कलौन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक अंतरिक्ष शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर कोलोन एकलव्य मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नज़र आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं कुलोनल आदिल शेखर आजाद कुलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नज़र आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्दकी इंडियन अम्बासडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुस्तफ़ अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका बातिजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियन के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामा लुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क चियो मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो स्टार, तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बाज जफ़र ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन वेस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फिर टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भर्त कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहां वह उसे छुरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन हैं और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है म तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, की पूर्व प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रॉकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें प्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस अविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदलता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलौन एक था इकलव की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह क्लोन को बेटी की तरह प्यार करता था नाकाबुश लोग वास्तव में फ्रेडी और रोकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का क्लोन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने की मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसलाकर मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्वल का संकेत देता है तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डूअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य मनुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के, में है। के में है। रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नजर आती है रोनित रॉय डूगल रोल के रोल में नज़र आते हैं कोलोनल आदिल शेखर आजाद कोलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नज़र आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुस्तफ़ अक्षारी बासर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका बातिजा हाई कमिश्नर वाइप के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर किशन के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटेंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नज़र आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवा मिस्टर नावेद के रोल में नज़र आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशियनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्ब्बास जफर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मारसिन लैसक्योवीस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो ग्यारह अप्रैल दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक सौ दो करोड़ की कमाई की है यानी कि ये मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छुरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आई विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोश अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंडन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोशों से लड़ने में मद, उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रे, प्रे, प्रे, फ्रेडी की पूर्व प्रे, प्रेमिका है क्योंकि हाई ड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोस अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कबीर एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रॉकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार भेज देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहां फ्रेडियो को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कलौन एकलव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाफ़ लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के कलौन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का कलौन बनाया है और असली आजाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने की मरने के लिए छोड़ देता लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रॉकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसलाकर मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एक लवी मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नजर आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद कुलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्दकी इंडियन अम्बेसडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्तफ अक्षारी बासर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका बातिजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा <Sarmah>, हाई कमिश्नर किशन के, के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियेंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामा लुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिसा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवा मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क चियो मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर का रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर का रोल में नज़र आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली जफ़र ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मारसिन वेस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का फेट टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संगाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहां वह उसे छुरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मिसा और रोकी लंदन हैं, और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाब पोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, की पूर्व प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें प्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस अविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार भेज देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलोन एकलव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह क्लोन को बेटी की तरह प्यार करता था नाकाब उस लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का क्लोन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रॉकी को मारने की मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों कलोनों को एक पावर ग्रिड में फुसलाकर मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लबी पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य मानुषी चिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्ना कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय रो डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद क्लोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नज़र आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नज़र आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्तफ़ अक्षारी बासर के रोल में नज़र आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के सन के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलीटियन के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन शानबाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नज़र आते हैं अनय प्रसाद एशनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो इस्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैसक्योवीस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो ग्यारह अप्रैल दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि यह मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक सौ दो करोड़ की कमाई की है यानी कि ये मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का फेयर टैंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा शंघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर अपाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आई विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंडन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोषों से लड़ने में मद, उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रे, प्रे, प्रे, फ्रेडी के पूर्व प्रे, प्रेमिका है क्योंकि हाई के हैक होने का खतरा था इसलिए कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोस अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कबीर एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रॉकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार भेज देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के का कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कलौन एकलव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाब लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के कलौन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का कलौन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता और फ्रेडी और रॉकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को, को एक पावर ग्रिड में फुसलाकर मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एक लवी मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्ना कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नजर आती है रोनित रॉय डूल रोल के रोल में नजर आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद कुलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नज़र आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्दकी इंडियन अम्बेसडर के रोल में नज़र आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्फ़ अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के सन के रोल में नज़र आते हैं रोहित खान हेड मिलीटियंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशियनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर का रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर का रोल में नज़र आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाई अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मारसिन लैसक्योवियस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो 350 करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फेट टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबुश अपराधी भारत काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संगाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहां वह उसे छुरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन हैं और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आई विशेष लंदन में आजाद को नकाब पोश अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिय दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, के पूर्व प्रेम प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोस अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें प्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार भेज देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहां फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलोन एक लव्य था इकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह क्लोन को बेटी की तरह प्यार करता था नाकाफ़ लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का क्लोन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता और फ्रेडी और रॉकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नज़र में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डूल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एक लवी मनुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिना कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डूल रोल के रोल में नज़र आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद क्लोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नज़र आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्तफ अक्षारी बासर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर किसन के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियन के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामाद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नज़र आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशियनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं वो वाग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नज़र आते हैं तो स्टार, तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अफ्वास जफर ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है जेकि भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मारसिन विस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो 350 करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो, तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फेयर टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन हैं और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोश अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में मद उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, के पूर्व प्रेम प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोस अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार भेज देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहां फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलौन एक था एक की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह क्लोन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाबोश लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का क्लोन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता और फ्रेडी और रोकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को, को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकुमारन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर कोलोन एक लवी मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नजर आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं कोलोनल आदिल शेखर आजाद कोलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बासडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुस्त अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलीटियंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन रोल में नजर आते हैं ओमना हार्जिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशियंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बाज जफर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जेकि भगनानी वासु भगनानी दीप देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मारसिन लैसकस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो 350 करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले है ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का, का फेट टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन हैं और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोस अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, की पूर्व प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलौन एक था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह क्लोन को बेटी की तरफ प्यार करता था ना फोस लोग वास्तव में फ्रेडी और रोकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का क्लोन बनाया है और असली आजाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने की मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकुमारन मरन रोल के नज़र में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य लव्य मनुषी कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं कोलोनल आदिल शेखर आजाद कोलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नज़र आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुस्तफ़ अक्षारी बासर के रोल में नज़र आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियन के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशियनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो इस्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैसकस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो ग्यारह अप्रैल दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि यह मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक सौ दो करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का फेक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा शंघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोषों से लड़ने में मद, उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रे, प्रे, प्रे, फ्रेडी की पूर्व प्रे, प्रेमिका है क्योंकि हाईड्रैक के हैक होने का खतरा था इसलिए कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कबीर एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रोक्की के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कलौन एकलव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाफोश लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के कलौन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का कलौन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता और फ्रेडी और रॉकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को, को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एक लवी चिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद कुलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बासडर के रोल में नज़र आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्त अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामा लुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आता है त्रिसा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नज़र आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानभाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क चियो मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वाग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना ईदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है जेकि भगनानी वासु भगनानी दीप देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मारसिन लैसकस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फिर टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संगाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहां वह उसे छुरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आई विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोस अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोषों से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, की पूर्व प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोष अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस अविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदलता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलौन एक था एक की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलोन को बेटी की तरह प्यार करता था नाकाब लोग वास्तव में फ्रेडी और रोकी के कलोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का क्लोन बनाया है और असली आजाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों कलोनों को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लबी पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य मनुषी कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परमिंदर बा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्ना कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डूगल रोल, रोल के रोल में नज़र आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद क्लोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नज़र आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुस्त अक्षारी बासर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के सन के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटेंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नज़र आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नज़र आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशियनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो इस्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैसक्योवियस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज़ डेट की बात करें तो ग्यारह अप्रैल दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि यह मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया है और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक सौ दो करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फेक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा शंघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छुरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आई विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोशों से लड़ने में मद, उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रे, प्रे, प्रे, फ्रेडी की पूर्व प्रे, प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इसलिए कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कबीर एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रॉकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस अविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहां फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कलौन एकलव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाफ़ोश लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के कलौन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का कलौन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रॉकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर कोलोन एक लवी मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नज़र आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं कुलोनल अदिल शेखर आजाद कुलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नज़र आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्दकी इंडियन अम्बासडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्तफ अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका बातिजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर किशन के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियेंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामा लुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क चियो मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नज़र आते हैं तो स्टार, तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अफ्वास जफ़र ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैक्सवियस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले है। ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया रिव्यू स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फिर टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छुरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन हैं और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है म तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, की पूर्व प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रॉकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें प्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस अविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदलता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलौन एक था इकलव की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरह प्यार करता था नाकाबुश लोग वास्तव में फ्रेडी और रोकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का क्लोन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने की मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसलाकर मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिकविल का संकेत देता है तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकुमारन मरन रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य मनुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्ना कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नजर आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कोलोनल आदिल शेखर आजाद कोलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नज़र आते हैं किन्नर बरुआ चैंग e, के रोल में नजर आते हैं मुस्तब अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटेंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नज़र आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नज़र आते हैं रोशन सानवा मिस्टर नावेद के रोल में नज़र आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशियनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मारसिन लैसक्योवीस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो ग्यारह अप्रैल दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक सौ दो करोड़ की कमाई की है यानी कि ये मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आई विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंडन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोशों से लड़ने में मद, उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रे, प्रे, फ्रेडी के पूर्व प्रे, प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इसलिए कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कबीर एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रॉकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस अविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के आपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहां और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन न करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कलौन एकलव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाब लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के कलौन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का कलौन बनाया है और असली आजाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने की मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रॉकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसलाकर मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एक लवी मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नजर आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद कुलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्दकी इंडियन अम्बेसडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्तफ अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका बातिजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियेंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामा लुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क चियो मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नज़र आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अफ्वास जफ़र ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मारसिन वेस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का फेट टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संगाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहां वह उसे छुरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मिसा और रोकी लंदन हैं, और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाब पोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, की पूर्व प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें प्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस अविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदलता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलौन एक था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह क्लोन को बेटी की तरह प्यार करता था नाकाबोश लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का क्लोन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक अंतरिक्ष शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसलाकर मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डूल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद क्लोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नज़र आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नज़र आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्तफ़ अक्षारी बासर के रोल में नज़र आते हैं न्योरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के सन के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियन के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नज़र आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क चियो मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो इस्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैसक्योवीस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो ग्यारह अप्रैल दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि यह मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक सौ दो करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का फेक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा शंघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर अपाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आई विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंडन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोषों से लड़ने में मद, उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रे, प्रे, प्रे, फ्रेडी की पूर्व प्रे, प्रेमिका है क्योंकि हाई ड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोस अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कबीर एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रॉकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहां रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन न करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कलौन एक लव्य था एक लव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाब लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के कलौन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का कलौन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रॉकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसलाकर मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिकविल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डूल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्ना कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डूल रोल के रोल में नज़र आते हैं कोलोनल आदिल शेखर आजाद कोलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर भरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्तफ अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के सन के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियन के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशियनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं वो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर का रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर का रोल में नज़र आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मारसिन लैसक्योवियस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो 350 करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फेट टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संगाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मिसा और रोकी लंदन हैं और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाब पोश अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, के पूर्व प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलौन एक लव्य था इकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाब लोग वास्तव में फ्रेडी और रोकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का कलोन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने की मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों कलोनों को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिकविल का संकेत देता है तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डुअल रोल के नज़र में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डूल रोल के रोल में नज़र आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद क्लोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नज़र आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नज़र आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग e के रोल में नजर आते हैं मुस्तफ़ अक्षारी बासिर के रोल में नज़र आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियन के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानव मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वाग चाइनीज रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैक्सवीस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो ग्यारह अप्रैल दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो 350 करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि यह मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक सौ दो करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का फेट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वहाँ उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंडन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोषों से लड़ने में मद, उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रे, प्रे, फ्रेडी की पूर्व प्रे, प्रेमिका है क्योंकि हाईड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कबीर एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रोकी के डी पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहां फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कलौन एकलव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाबोश लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के कलौन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का कलौन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने की मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रॉकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसलाकर मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्वल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एक लवी मनुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नज़र आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्ना कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद कुलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बासडर के रोल में नज़र आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्त अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटेंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामा लुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिसा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो स्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अफ़वास जफर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जेकि भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैसक्यवियस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले है। ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो, तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का फिर टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भर्त कफ़ी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वह उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मिसा और रोकी लंदन हैं और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोस अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, की पूर्व प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलौन एक लव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह क्लोन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाब लोग वास्तव में फ्रेडी और रोकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का क्लोन बनाया है और असली आजाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने की मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों क्लोनों को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नजर में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकू मरन डूअल रोल के नज़र में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य मनुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं कोलोनल आदिल शेखर आजाद कोलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नज़र आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बेसडर के रोल में नजर आते हैं किन्नर बरुआ चैंग e, के रोल में नजर आते हैं मुस्तफ़ अक्षारी बासिर के रोल में नज़र आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामालुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आते हैं त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नज़र आते हैं रोशन सानबर्ग मिस्टर नावेद के रोल में नज़र आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशियनटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो इस्टार तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्ब्बास जफर ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है जे भगनानी वासु भगनानी दीप शिखा देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैसकस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नर्ड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो ग्यारह अप्रैल दो है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि यह मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े तीन सौ करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक सौ दो करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का फेक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संघाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहाँ वह उसे छूरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोष अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब पोषों से लड़ने में मद, उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रे, प्रे, फ्रेडी की पूर्व प्रे, प्रेमिका है क्योंकि हाईड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोश अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कबीर एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रॉकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदल देता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहां और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कलौन एकलव्य था एकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह कलौन को बेटी की तरफ प्यार करता था नाकाबोश लोग वास्तव में फ्रेडी और रॉकी के कलौन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का कलौन बनाया है असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रोकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता है लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के कलोनों को का सामना करते हैं जो एक अंतरिक्ष शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों कलोनों को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्वल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नज़र में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकु मरन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर क्लोन एकलव्य मानुषी चिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नजर आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद कुलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शैरगिल के रोल में नजर आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्की इंडियन अम्बासडर के रोल में नज़र आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुश्फ़ अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका भातीजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटेंट के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामा लुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजिनी एजेंट के रोल में नजर आता है त्रिसा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नज़र आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवाग मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क च्यू मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं तो स्टार, तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफ़र ने और इस मूवी का प्रोड्यूस किया है जेकि भगनानी वासु भगनानी दीप देशमुख अली अब्बास जफ़र हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैसक्यवियस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पो चार पॉइंट दो स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि यह मूवी सबको बहुत पसंद आया मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब बहुत अच्छा है तो, तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी का फिर टेन रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का स्टोरी बताते हैं एक नकाबपोश अपराधी भारत कफी काफिले पर हमला करता है जिसमें एक हथियार होता है और भारतीय सेना से कहता है कि भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी कैप्टन मिसा संगाई में एक नकाबपोश हमलावर का सामना करती है जहां वह उसे छुरा घोप देती है लेकिन हमलावर के घाव बेवजह तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह भाग जाता है मीसा घटना की सूचना कर्नल आजाद को देती है जो उस मिशन के लिए कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों फिरोज फ्रेडी और राकेश रोकी की भर्ती करने का निर्देश देते हैं लेकिन रोकी केवल मदद करने के लिए सहमत होता है मीसा और रोकी लंदन पहुँचते और परमिंदर पाम से मिलते हैं जो उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक आईटी विशेष लंदन में आजाद को नकाबपोस अपराधी ने गोली मार दी चोरी पैकेज को वापस पाने के लिए टीम लंदन ट्यूब में घुसपैठ करती है नकाब से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए फ्रेडी आता है पाम तिजोरी खोलता है और बताता है कि पैकेज वास्तव में कैप्टन प्रिया दीक्षित का है जो फ्रेडी फेरे, की पूर्व प्रेमिका है क्योंकि हाइड्रैक के हैक होने का खतरा था इस कारण कवच करण कवच जो एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली है कि कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एनक्रिप्ट किए गए थे नकाबपोष अपराधी और उसकी सेना प्रिया को बंधक बना लेती है और अपराधी खुद को कभी एक वैज्ञानिक और फ्रेडी और रोकी का पूर्व मित्र बताता है अतीत कबीर अपने नवीनतम आविष्कार के साथ भारतीय सेना की मदद करना चाहता है एक क्लोनिंग प्रोग्राम जिसमें फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोन को आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता है जब कबीर इस अविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा करता है तो आजाद उसे इस बंद करने का आदेश देता है क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा कबीर पक्ष बदलता है अब भारत के दुश्मनों को आविष्कार बेच देता है प्रिया यह जानकारी आजाद को बताती है जहाँ फ्रेडी और रोकी को कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो कबीर को मार देते हैं और आदेशों का पालन ना करने के लिए कोर्ट मार्शल करते हैं जिसके बाद फ्रेडी बिना किसी कारण से प्रिया से अलग हो जाता है वर्तमान कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि रॉकी और फ्रेडी के कारण मरने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका कुलौन एक था इकलव्य की मृत्यु ने उसे प्रतिशोध से भर दिया क्योंकि वह क्लोन को बेटी की तरह प्यार करता था नाकाबस लोग वास्तव में फ्रेडी और रोकी के क्लोन थे कबीर ने खुलासा किया कि उसने आज़ाद का कलोन बनाया है और असली आज़ाद को मार दिया कबीर प्रिया का अपहरण कर लेता और फ्रेडी और रोकी को मारने के मरने के लिए छोड़ देता लेकिन वे कबीर के गुंडों को मार देता है और टीम को बताता है कि कबीर करण कवच को निष्क्रिय करके दोनों देशों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक रूप से धूमिल हो जाएगी फ्रेडी रोकी मिसा और पाम कबीर के बेस में घुसपैठ करते हैं जहाँ कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट करता है फ्रेडी और रोकी अंततः अपने स्वयं के क्लोनों को का सामना करते हैं जो एक अंतरिक्ष शक्ति स्रोत के कारण फिर से जीवंत होते रहते हैं दोनों कलोनों को, को एक पावर ग्रिड में फुसला मार देते हैं जिससे वे फट जाते हैं कबीर हवाई हमले शुरू करता है इससे पहले कि फ्रेडी और रोकी उसे मार दे प्रिया बताता है कि बताती है कि एक लव्य पासवर्ड है करण कवच को फिर से सक्रिय किया जाता है जिससे हवाई हमला और संभावित युद्ध टल जाता है टीम बेस छोड़ देती है जबकि कबीर बच जाता है जो एक सिक्विल का संकेत देता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार डुअल रोल के रोल में नजर आते हैं कैप्टन फिरोज फ्रेडी और क्लोन फ्रेडी टाइगर श्रॉफ डुअल रोल के नज़र में आते हैं कैप्टन राकेश रॉकी क्लोन रॉकी पृथ्वीराज सुकू मरन डुअल रोल के नजर में आते हैं डॉक्टर कबीर कुलौन एक लवी मानुषी छिल्लर कैप्टन मीसा कपूर के रोल में नज़र आते हैं आलिया एफ परविंदर बाबा के रोल में नजर आते हैं सोनाक्षी कीना सिन्हा कैप्टन फ्रिया दीक्षित के रोल में नज़र आती है रोनित रॉय डुअल रोल के रोल में नज़र आते हैं क्लोनल आदिल शेखर आजाद कुलोन आजाद के रोल में मनीष चौधरी जनरल करण शेरगिल के रोल में नज़र आते हैं जुगल हंसराज मोहसिन खान के रोल में नजर आते हैं साहब अली कैप्टन विक्रम के रोल में नजर आते हैं पवन चोपड़ा इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के रोल में नजर आते हैं खालिद सिद्दकी इंडियन अम्बासडर के रोल में नज़र आते हैं किन्नर बरुआ चैंग के रोल में नजर आते हैं मुस्तफ़ अक्षारी बासिर के रोल में नजर आते हैं न्यूरिका बातिजा हाई कमिश्नर वाइफ के रोल में नजर आते हैं विधान शर्मा हाई कमिश्नर के के रोल में नजर आते हैं रोहित खान हेड मिलिटियन के रोल में नजर आते हैं विजय आनंद जामा लुद्दीन के रोल में नजर आते हैं ओमना हारजीनी एजेंट के रोल में नजर आता है त्रिशा बिस्ट लिटिल गर्ल के रोल में नजर आते हैं सपना चौधरी लिटिल गर्ल के फादर के रोल में नजर आते हैं नीलम खन्ना लिटिल गर्ल की मदर के रोल में नजर आते हैं रोशन सानवा मिस्टर नावेद के रोल में नजर आते हैं मार्क चियो मिस्टर ओंग के रोल में नजर आते हैं अनय प्रसाद एशंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं जॉर्डन टंक इंग्लिश रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं बो वांग चाइनीज़ रिपोर्टर के रोल में नज़र आते हैं जीना इदा रशियन रिपोर्टर के रोल में नज़र आते हैं तो स्टार, तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफ़र ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जेकि भगनानी वासु भगनानी दीप देशमुख अली अब्बास जफर हिमांशु किशन मेहरा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय अली अब्बास जफर और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी मार्सिन लैक्सवियस ने दिया है और इस मूवी का एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय स्टीवन एच बर्नड ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को म्यूज़िक दिया है यानी कि म्यूज़िक वाई स्कोर जूलियस पैकियम सॉन्ग विशाल मिश्रा ने और इस मूवी का रिलीज डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं इस मूवी का बजट की बात करें तो तीन करोड़ है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 102 करोड़ की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं तो इस मूवी का रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार चार पॉइंट दो स्टार मिले है। ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू और पाँच स्टार में से चार पॉइंट दो स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सब ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट साढ़े करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र एक करोड़ की कमाई की है यानी कि ये मूवी सबको बहुत पसंद आया और ये मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया ये मूवी स्टोरी का सब, सब बहुत अच्छा है तो, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें